देखो, जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का पावर, ठीक है, और एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दो टॉपिक बचे, तो ये पावर आज खत्म करेंगे। पहले थ्योरी सिर्फ सिंगल पेज की है इसकी, वो देख लो आप एक बार। डेफिनेशन, टाइम रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड पावर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से है, बिकॉज ये जनरलाइज डेफिनेशन दी जा रही है पावर की। और पावर एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स का हर चैप्टर में आने वाला है। टाइम रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस पावर, डीई बाई डीटी। और यहाँ पे जब एनर्जी की बात की जा रही है, तो ये एनर्जी किसी भी फॉर्म की हो सकती है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म कोई भी ले सकते हो आप। मतलब ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ये एनर्जी कहीं पर जाकर के हीट के फॉर्म में हो सकती है, ये एनर्जी कहीं पर साउंड के फॉर्म में हो सकती है। तो पावर का कंसेप्ट ऑलमोस्ट फिजिक्स के हर एक चैप्टर में है। ये एनर्जी लाइट वेव के फॉर्म में भी हो सकती है, इन एनी फॉर्म में एनर्जी आप देख सकते हो। किसी भी फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करिए, उसका जो रेट होगा उसको पावर का नाम देंगे, डी बाई डी टी इसका जनरलाइज फॉर्मूला है। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि ये जनरल डेफिनेशन है, लेकिन वी विल फोकस ऑन द वर्क एज द एनर्जी ट्रांसफर। इस चैप्टर के लिए जब बात करेंगे, तो इस चैप्टर में एनर्जी ट्रांसफर करने का जो तरीका है वो वर्क के थ्रू होगा, वर्क एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मेथड ले रहे हैं। और क्योंकि वर्क को हम एनर्जी ट्रांसफर का मोड मानते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करने के और भी तरीके हैं। देखिए बेहतर हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका वर्क के अलावा एक और मेथड है जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज करोगे आगे फिजिक्स में आप, वो थर्मल एनर्जी यानी हीट के फॉर्म में भी एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है, साउंड के फॉर्म में भी, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। तो ये जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हो, इसके अंदर तो आप वर्क की बात करोगे, बट इन जनरल डी ई बाई डी टी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कीप इन माइंड दैट अबव एक्सप्रेशन ऑफ पावर इज वैलिड फॉर एनी मीन्स ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर, तरीका कोई भी होगा, डेफिनेशन यही रहेगी। अब इस चैप्टर में क्योंकि वर्क की बात करनी है, तो फिर वर्क को हम डिफाइन करेंगे, मतलब एनर्जी को वर्क से रिप्लेस कर देंगे। मतलब जहां पर ये एनर्जी देख रहे हो उसको रिप्लेस करके वर्क लिख सकते हो, एनर्जी की जगह वर्क। क्योंकि अगर आप अपनी अपनी बुक्स में जाओगे, तो आपके बुक्स में डायरेक्टली वर्क से स्टार्ट किया जाता है, दैट पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन। और यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपके माइंड में यही से बैठ जाता है कि वर्क ही, वर्क का जो रेट है उसको ही पावर कहते हो। इन जनरल पावर किसी भी तरीके से एनर्जी ट्रांसफर की जाए उसका रेट है, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी आज करने हैं। तो जब आप वर्क की बात करेंगे, तो पावर को हम डी डब्ल्यू बाई डी टी से डिफाइन करेंगे, डी ई बाई डी टी की जगह पर डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन है, पावर एट एक सर्टेन टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर। और एक हम डिफाइन करने जा रहे हैं यहाँ पर एवरेज पावर। तो एवरेज पावर को डिफाइन करोगे वर्क डिवाइडेड बाय टाइम से, एवरेज पावर टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर रेट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू बाई डी टी। और डी डब्ल्यू को हम फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस करेंगे, तो जो डी डब्ल्यू है इसको रिप्लेस कर सकते हो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डिनोमिनेटर में डी टी। और ये जो डिस्प्लेसमेंट डी आर अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम का जो फैक्टर बनेगा, यानी कि ये जो डी आर बाई डी टी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस फैक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय द वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर की एक और डेफिनेशन मैकेनिक्स में बन जाएगी फोर्स डॉट वेलोसिटी, एफ डॉट वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का डॉट प्रोडक्ट। इसको भी कह सकते हो इंस्टेंटेनियस पावर। न्यूमेरिकल्स जो आप करने जा रहे हो वो दो फॉर्मूलोज के ऊपर होंगे, एक एवरेज पावर का न्यूमेरिकल जो कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, और एक इंस्टेंटेनियस पावर, पावर एट ए पर्टिकुलर टाइम। वो कैलकुलेट करने के लिए या तो हम डी डब्ल्यू बाई डी टी का कंसेप्ट लगाएंगे, या तो डी डब्ल्यू बाई डी टी यूज करेंगे, या फिर एफ और वेलोसिटी के बीच का डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। आगे इसकी एसआई यूनिट है ऑब्वियसली जूल पर सेकेंड, यानी कि वॉट के फॉर्म में जेम्स वॉट के नाम पर है। और मोर प्रिसाइज यूएस में अगर हम बात करेंगे, तो ये हॉर्स पावर यूज करते हैं वो लोग, हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। सो तीन बातें यहाँ से ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं। पावर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नंबर वन, ये इन जनरल डेफिनेशन है पूरे फिजिक्स में, पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैकेनिक्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करोगे, तो पावर वर्क बाय टाइम है, या फिर फोर्स डॉट वेलोसिटी है, या फिर डी डब्ल्यू बाय डी टी है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट टाइम टी इक्वल टू 0 टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, फाइंड द पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे। तो पावर ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है, और वो भी एट अ गिवन टाइम। तो एट अ गिवन टाइम निकालने का मतलब ये इंस्टेंटेनियस पावर हो रही है, एक स्पेसिफिक टाइम की वैल्यू के लिए पावर पूछा गया है।
मतलब कि इंस्टेंटेनियस पावर, प्रीवियस रिजल्ट यूज करेंगे, इट इज फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स भी बता दिया गया है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर करना है क्वेश्चन में, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर अगर हम इसको रेस्ट पर रिलीज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो अंडर ग्रेविटी ये बॉडी फॉल करेगी, और दो सेकंड के बाद आप काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकते हो कि दो सेकंड्स के बाद इसके अंदर जो वेलोसिटी आएगी वो यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन को ग्रेविटी से रिप्लेस करेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और टाइम टू यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। नाउ सिंपली फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो फोर्स एम जी का होगा और वेलोसिटी की वैल्यू दो सेकंड्स के बाद कैलकुलेट की जाएगी, तो 20, और ये डॉट प्रोडक्ट है तो साथ में यहाँ पर कॉस थीटा भी आएगा। बट थीटा इस केस में अगर आप देखोगे तो क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स की बात की गई है, तो ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस ऑफ थीटा में हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे जीरो डिग्री से, यानी कि कॉस जीरो डिग्री। तो फाइनली, और मास यहाँ पर गिवन है 1 किलोग्राम, ग्रेविटी जी 10 और ये पूरा 20, तो ये कुल मिलाकर के 200 वॉट इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट फोर्स 2.50 न्यूटन एक्सेलरेट्स अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ 15 ग्राम थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2.50 मीटर, फाइंड द वर्क डन एंड द एवरेज पावर। सो वर्क डन सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट से आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, तो 2.50 न्यूटन का फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट 2.50, इसको इवेल्युएट कर लेना बाद में क्या आएगा, और डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो हम इसमें टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगा होगा इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में। उसके लिए काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन लगाओगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर फोर्स बाय मास से रिप्लेस कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इतना। यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी को जीरो एज्यूम करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ सॉरी एक्सेलरेशन पार्टिकल दिया है, हाँ, तो यू जीरो हो गया। यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय कैपिटल एफ। तो वर्क कैलकुलेट हो गया और काइनेमेटिक्स से टाइम कैलकुलेट हो गया, फिर एवरेज पावर का रिजल्ट लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। सो इसके आगे मेरे ख्याल से आप कैलकुलेशन पार्ट अपने आप, हाँ सर, जो आपने वर्क इज इक्वल टू एफएस किया है, सर क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो हम सेम डायरेक्शन मान के, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ओके सर, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बस डेफिनेशंस को मतलब ग्रेस्प करने के लिए क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले एक बार आपके माइंड में बैठ जाए। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, कैलकुलेशन अपने आप करिएगा। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, फोर्स वेक्टर गिवन है और इंस्टेंटेनियस पावर। तो अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये डॉट प्रोडक्ट है इनके बीच में, तो आप इसको आप इमिडिएटली कर सकते हो। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है ये बता चुके हैं कि इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये बताया गया था कि दोनों के एक्स कंपोनेंट्स आपस में यानी कि 10 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 140, और ये 10 और ये 3 माइनस 3 तो -30, और इस तरीके से 20 और 6 करोगे तो 120। इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा सिंपल सा, -1 प्लस 160 6 × 120। ओके, तो ये सिंपल सा आंसर है यार, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर देखो पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स एफ इक्वल टू इतना, फंक्शन दे रखा है फोर्स का, ए और ओमेगा कॉन्स्टेंट्स है, पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर है, ओरिजिन पर है, इंस्टेंटेनियस पावर। सो पहले तो क्वेश्चन में ये देखा जाता है कि हमें पावर कौन सा निकालना है, उसके हिसाब से फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए आपको फोर्स चाहिए और वेलोसिटी चाहिए, दोनों चाहिए। तो फोर्स तो क्वेश्चन में दिया है लेकिन वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, dp/dt। हाँ, वेलोसिटी हम निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सही है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ दैट फोर्स इज ऑलवेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, यानी d/dt ऑफ मास टाइम्स वेलोसिटी, ये न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन लॉ बेसिकली कह सकते हो। तो यहाँ से अब इसमें एक मिस्टेक होती है, मतलब एक मिस्टेक जरूर होगी इसके अंदर, मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ और आप लोगों से आंसर एक्सपेक्ट करूंगा कि आंसर क्या आएगा। सो dv/dt इसमें से मास को बाहर ले जाओ और फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर लो, तो ये आ जाएगा a अपॉन m देन साइन ओमेगा टी आई कैप, एंड देन सेकंड टर्म आ जाएगा इसमें एक और a अपॉन m इंटू कॉस ओमेगा टी जे कैप। dt को राइट साइड पर ट्रांसफर करना है, dt को और दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, तो इधर dv आ जाएगा और dt राइट साइड इंटीग्रेट हो जाएगा जाकर के। इसके बाद का आंसर अब आप लोग बताएंगे क्या आएगा,
बिकॉज एक्चुअली मैं इंटीग्रेशन चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या इधर के इंटीग्रेशन वगैरह तुमको आते हैं या नहीं आते. तो एक तो ये फैक्टर आएगा इंटीग्रेशन का, सेकंड फैक्टर आपके पास एक और आएगा ए अपॉन एम कॉस ओमेगा टी वाला. तो अब आप लोग थोड़ा सा अपने आप ट्राई करो यार, है ना, कुछ थोड़ा सा बताओ क्या आएगा इसका आंसर. बिकॉज ये लिमिट्स रखेंगे जीरो से वी तक की, और यहाँ पर लिमिट रखेंगे जीरो से टी तक की, और यहाँ पर भी लिमिट रखेंगे जीरो से टी. तो अब इसके आगे का कैलकुलेशन पार्ट आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सारे स्टेप नहीं करूंगा अभी आज. सो बेसिकली यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी. अब कितनी मिलेगी ये आपकी मैथमेटिकल नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है कि खराब है. सो यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करना है आपको, और जब वेलोसिटी फाइंड कर लेना और फोर्स का एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हें, तो एफ डॉट वी से हम पावर को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो फाइनल आंसर आपको लाना पड़ेगा इसमें, पहले बता रहा हूँ. और इसमें चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि एक एरर आती है, बड़ी कॉमन एरर है, 90% स्टूडेंट्स की वो एरर आती है, और वो एक सिली मिस्टेक कैटेगरी में है. वो इंटीग्रेशन के टाइम पर ही एरर हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना जरा. आई मीन फॉर्मूला वगैरह यूज करके सही से करिएगा इसको. एक्सक्यूज मी सर, सर कैन यू प्लीज गो टू द प्रीवियस स्लाइड फॉर अ मोमेंट. थैंक यू सर, जस्ट वांटेड टू सी समथिंग. तो इस वाले में आप आंसर मार्क कर दीजिए, सर कंफर्म हो जाएगा जब कर. नहीं बच्चा नहीं, वो आप अपने आप करें, कंफर्म करिए आपका क्या होगा. इनफैक्ट अगर आप चाहते तो इतनी देर में हो जाता वैसे, क्योंकि मैंने यहाँ तक तो कर दिया है, और आप अपने आप देख सकते हो कि क्या आंसर आना चाहिए इसमें. और देखो अगर बच्चा एक सेकंड, अगर मैं आपकी जगह होता, देखो मैं एक और काम करता, ऑब्जेक्टिव पेपर में कभी कभी ना आपको एक स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है. ऑब्जेक्टिव पेपर में आप बता सकते हो कि टाइम जीरो पर पावर कितनी आनी चाहिए, टाइम जीरो पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ करके. ऑब्जेक्टिव पेपर करने के एक और तरीके भी होते हैं, कभी कभी ना ऑप्शंस डायरेक्टली हिट कर जाता है. क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है, दैट मीन्स ये जो वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग में जीरो है, तो इसका मतलब इनिशियल पावर कितनी आनी चाहिए, जीरो. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें टी इक्वल टू जीरो रखने से आपको जीरो मिलेगा. इन चारों ऑप्शंस में पहला ऑप्शन तो वैसे नहीं होगा, गलत है वो, बट आगे के तीन ऑप्शंस में से क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें t इक्वल टू जीरो रखने से जीरो आ रहा है. तीनों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि cos वाले फंक्शन में b वाला इसको हम ऐसे टिक कर देते हैं. अगर ऑब्जेक्ट मतलब ये होता है पेपर को करने का तरीका, कि पेपर करते वक्त ना आपको हर तरीके की टैक्टिक्स लगानी पड़ती है. मतलब एक एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा, इसको पूरा सॉल्व करेगा. और वही जिसने थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड यूज किया, उसने कहा कि यार कौन सॉल्व करे, फटाफट टी इक्वल टू जीरो देखा उसने, टिक कर दिया बी ऑप्शन पे और आगे बढ़ गया. क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी हर समय थोड़ी जीरो होगी. फोर्स लग रहा है तो हर समय तो वेलोसिटी जीरो होगी नहीं, यानी पावर हर समय तो जीरो आएगा नहीं. और ए बी बी सी बी सी डी ऑब्वियसली क्लियर है. मतलब समझ गए कि क्वेश्चन करते समय ना ब्रेन थोड़ा सा ओपन रखा करो. ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी कभी कभी काम करता है कि क्या नहीं हो सकता इसमें से. और इससे क्या होता है, वो वही केबीसी का 50-50 होता है ये. आई मीन केबीसी की 50-50 लाइफ लाइन अगर आपको मिल जाए तो तुक्के मारने पर भी प्रोबेबिलिटी इस बात की बढ़ जाती है कि आपका आंसर सही होगा. भाई आप चार में से गेस करोगे और दो में से गेस करोगे तो 50% चांस हो गया कि आपका आंसर सही हो सकता है. नेक्स्ट, ब्लॉक ऑफ मास एम मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, द पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट आफ्टर अ टाइम टी फ्रॉम द बिगिनिंग इज इक्वल टू. सो क्या करना चाहिए देखो, और इसमें आप खुद सोच के देखें क्या आंसर आएगा. ठीक है ना, तो अब देखो हर समय ऑब्जेक्टिव का ट्रिक हर बार एक ही वाली काम नहीं करेगी कि पिछले वाले में टी इक्वल टू जीरो रख के देख लिया तो हर क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ लग जाए. अब ये यही आर्ट डेवलप करनी पड़ती है क्वेश्चन करते वक्त, तो इसमें ये सब तो काम कर नहीं रहा, बट फिर भी आप देख सकते हो कि क्या आंसर आना चाहिए इसका. देखो बच्चे जी क्या होगा, देखो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके ऊपर एक ब्लॉक ऑफ मास एम है, उसको आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन से खींच रहे हो, तो जो
एक्सटर्नल एजेंट होगा जो फोर्स लगा रहा होगा उस पे, उसका आंसर एक्सटर्नल एजेंट का। हाँ अनुभव जी, जेई का ही क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी जेई का क्वेश्चन है। तो जेई में भी देखो ना, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट आता है आपके, मैंने इसलिए भी बता रहा हूँ कि सुधी ठीक है, इसमें आप क्या करोगे ना, एक फोर्स कैपिटल एफ आप लगाओगे जो एक्सटर्नल होगा और उसके अपोजिट साइड पर फ्रिक्शन लग रहा होगा। ये सर फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल होगा इसमें? नहीं नहीं, फ्रिक्शन तो एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल का मतलब ये होगा कि जिसकी वजह से हम उसको ड्रैग कर रहे हैं, फ्रिक्शन तो मोशन को अपोज कर रहा होगा। मतलब एक स्टेशनरी बॉडी पर पहले हम एक फोर्स लगाएंगे तब वो बॉडी आगे बढ़ेगी, तो जो हमने फोर्स लगाई है ना इसकी पावर पूछ रहे हैं आपसे, और ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से आगे चल रही है। तो पहले तो न्यूटन लॉ, F माइनस म्यू इंटू नॉर्मल बराबर एम ए, और एक बार फिर आपने देखा होगा तो मैंने फ्रिक्शन को म्यू एन लिखा है, मेरी आदत म्यू एन लिखने की है। अब एन कितना होगा ये मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलता हूँ, तो क्वेश्चन कह रहा है इट इज अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स पर नॉर्मल की वैल्यू को आप एम जी से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये म्यू एम ए प्लस म्यू एम जी, म्यू एम जी सॉरी प्लस एम ए, ये फोर्स आ जाएगा। और पावर जो मुझे कैलकुलेट करनी है वो बाय द फोर्स कैपिटल एफ निकालनी है, पावर बाय कैपिटल एफ, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो इसके लिए फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और म्यू एम जी प्लस एम ए, और वेलोसिटी हम काइनेमेटिक्स से निकालेंगे, जो वेलोसिटी है वो आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन डी आ जाएगा सर, हाँ यू प्लस ए टी वाले से, तो यू जीरो है इस क्वेश्चन में और ए इंटू टी इक्वल ए टी आ जाएगा। तो अब इसमें आप देख लो ऑप्शन डी, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं मैं बता रहा हूँ, पावर वाला सेगमेंट काफी रिलेटिवली आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अब यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट ए स्पीड यू एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंड फाइंड द पावर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट टाइम टी। तो इसको ट्राई करते हैं, देखो अच्छे से देखना क्योंकि इसके बाद इसी के पर बेस्ड दो तीन क्वेश्चन है जो होमवर्क के लिए रहेंगे आपके। इसमें u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल मोशन करा रहे हो और ग्रेविटी की पावर पूछ रहे हैं कि क्या होगी, पावर बाय द ग्रेविटी t टाइम बाद। कंसेप्ट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल लगाएंगे तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटीज को हम लोग रिजोल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा। और प्रॉपर्टी ऑफ प्रोजेक्टाइल ये कहती है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो इवन कुछ टाइम के बाद भी अगर आप देखोगे, मतलब टाइम जीरो पर अगर ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं तो t सेकंड्स के बाद भी जो वेलोसिटी होती है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, वो u cos थीटा रहता है, लेकिन जो वर्टिकल कंजर्व हो जाता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट वाले वेलोसिटी में ग्रेविटी की वजह से चेंजेस आते हैं, तो वो u sin थीटा और माइनस gt, याद आ रहा है आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स याद आ रहे हैं ये वेलोसिटी वाले? यस सर, यस सर। और ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड है, m into g की फोर्स डाउनवर्ड है, सो पावर हमको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वाली निकालनी है, यानी कि एफ डॉट वी करना है यहाँ पर, और विनायक ठीक है एफ डॉट वी। और डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी जब आप देखोगे तो मुझे पता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, मतलब जब हम पावर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर फोर्स है ना, फोर्स को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, अगर आप इस एक्सिस को वाई एक्सिस मान लो और हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मान लो, तो चाहो तो वेक्टर फॉर्म यूज कर लो, फोर्स यहाँ ग्रेविटी का है डाउनवर्ड है तो माइनस एम जी जे कैप, और डॉट वेलोसिटी उसका यू कॉस थीटा आई कैप कंपोनेंट है और प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप कंपोनेंट है। बेसिकली कहने का मतलब ये होगा ना यहाँ पर यार कि जब आप डॉट प्रोडक्ट यहाँ ले रहे होगे ना तो उसमें यू कॉस थीटा से कोई रोल नहीं है, यू कॉस थीटा का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा कोई। तो क्या आ जाएगा पावर, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो जे कैप के साथ जे कैप ही मल्टीप्लाई हो पाएगा, तो ये कुल मिलाकर के आंसर आएगा एम जी और ब्रैकेट में जी टी माइनस यू साइन थीटा, ये देख लो आप एम जी इंटू जी टी माइनस यू साइन थीटा। क्लियर है ये चीज? यस सर, यस सर। ओके अब ना इस पर ध्यान देना क्योंकि आगे के दो तीन क्वेश्चंस हैं जो आपको इसके ऊपर खुद करने हैं। पावर एम जी इन ब्रैकेट में जी टी माइनस यू साइन थीटा, ये हमारा एक क्वेश्चन का आंसर है, बट इसी क्वेश्चन के आंसर के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एक तो बताना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। सिवांस इसमें ऑप्शन कहाँ एलिमिनेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी चाहिए। देखो
पहली बात दो कंसेप्ट हैं जो प्रोजेक्टाइल का है, इसीलिए रिवीजन कहा जाता है आपको कि अब देखिए चैप्टर पढ़ रहे हो वर्क एनर्जी पावर कंसेप्ट यूज हो रहा है प्रोजेक्टाइल का, तो लैक ऑफ रिवीजन होगा तो फिर अब ये समझ नहीं आएगा कि हमने प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किस तरीके से लिखी है। तो उसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी जितनी स्टार्टिंग में रहती है उतनी ही टी टाइम बाद भी रहती है, और वर्टिकल वेलोसिटी में हम माइनस जी टी कर देते हैं, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट यूज कर लिया। तो ये पावर का फंक्शन है एम जी जी टी माइनस यू साइन थीटा। मूव कर दिया बच्चा अगली स्लाइड पे। यस सर। अब आप ये दो क्वेश्चंस आंसर करेंगे अपने आप, सेल्फ क्वेश्चन है, आपके होमवर्क है, मतलब बेसिकली खुद से करने के लिए है आपके। ये पिछले रिजल्ट पर है, ये पहली बात कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट है या नेगेटिव है या लीनियरली वेरी करता है टाइम के साथ या पॉजिटिव है ना, ये सब आंसर कोई बोलेगा नहीं अभी। तो ये फंक्शन सामने है, फंक्शन लिखा हुआ है पावर इक्वल्स टू एम जी ब्रैकेट में जी इंटू टी माइनस यू साइन थीटा, और इसी के बेसिस पर आपके क्वेश्चन हैं कि क्या ये कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है या फिर क्या है अकॉर्डिंगली। तो आप इसमें से ए बी सी डी में से जो ऑप्शन आपको समझ में आए वो टिक करना, और उसी के ऊपर ये नीचे वाला क्वेश्चन है जिसमें पावर का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने इक्वेशन डिराइव की हुई है, आगे का पार्ट अपने आप करेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा और जो ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये दोनों आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं, उसको आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। तो स्किप कर रहे हैं इसको, मतलब ये आपको करने के लिए है, ठीक है जी, कर लेंगे आप क्वेश्चन। बिकॉज इक्वेशन सामने है, तुम्हें इक्वेशन को एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। नेक्स्ट। यस ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखो। नाउ क्या कह रहे हैं कि इफ अ बॉडी ऑफ मास m accelerates uniformly from rest to the velocity v1 in the time t1. So body of mass m accelerates uniformly from rest to the velocity v1 in the time t1. क्या इतनी information sufficient नहीं है इस body की acceleration को determine करने के लिए? क्या सिर्फ इतनी information की बात करो आप, सिर्फ इस line की, तो क्या information से आप acceleration निकाल सकते हो? Yes sir, निकाल सकते हैं। तो कौन सा chapter, कौन सा concept लगाएंगे? रेस्ट से v1 तक t1 टाइम में चले गए आप। सर v1 माइनस 0 अपॉन t1। हाँ, मतलब कि काइनेमेटिक्स बेसिकली, फाइनल वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन a और टाइम t1। सो यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा v1 अपॉन t1 का, और इसी इसी लाइन के अंदर बॉडी का मास गिवन है, तो इसका मतलब इसी लाइन से आपको फोर्स भी मिल जाएगा m into a करके, मतलब हाँ। तो ये लाइन सिर्फ इसी पर्पस के लिए है कि आप फोर्स कैलकुलेट कर पाए। अब उसके बाद पावर निकालने के लिए क्या करेंगे? तो पावर निकालने के लिए हम एफ डॉट वी लगाएंगे। अब लेकिन यहाँ कौन सी वेलोसिटी लिखेंगे? तो फोर्स तो आपका एम वी वन बाई टी वन हो गया, और यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी लगानी है? तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहे हैं आपसे, तो फिर से वेलोसिटी की जगह पर यू प्लस ए, यू प्लस ए इंटू टी, बस इतना करना है इसको, ठीक है। अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन सिमिलर है, तो वो आप अपने आप करोगे। थोड़ा सा लेक्चर का पैटर्न में बदल रहा हूँ, आई मीन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देंगे, आप अपने अपने आप करो, सो दैट कि रिवीजन भी होता रहेगा और सिमिलर कंसेप्ट का प्रैक्टिस करते करते आपको ना समझ में आ जाएगा। मूव कर जाएं आगे। जी सर। यस यस सर। यस। ये देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना है ना। अब व्हीकल इज ड्रिवन अलोंग द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक बाय द मोटर व्हिच एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट ड्राइविंग फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो एंड द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल एट द टाइम टी इज कैपिटल ई and power developed by the motor is P, which of the following graph is correct? अब यहाँ से जो questions मैं start करने जा रहा हूँ वो formula, purely formula based नहीं होंगे। अभी तक के जितने भी मैंने example दिए थे वो बड़े simple थे, मतलब basically school level के थे, formula का use था, अब थोड़ी सी ना understanding वाले हो गए। मतलब इन सब questions में हम ये करेंगे कि power is the rate of transfer of energy, basically इस concept को लगाने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि इस मोटर से एनर्जी कौन सी आ रही होगी, मतलब किसी भी व्हीकल का मोटर फंक्शन क्या करता है, ये आपको समझना होगा। मोटर का काम क्या होता है, मतलब ये इंजन का काम क्या होता
है ना, ये समझना होता है इसमें. मोशन प्रोवाइड, मोशन फ्रिक्शन से आता है बच्चा, ध्यान रखिए. मोटर मैंने कहा था कि मोटर कार. तो इस क्वेश्चन में हालांकि देखो लिखा हुआ है, मोटर एग्जर्ट्स अ कांस्टेंट ड्राइविंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ना यार फिर बोल रहा हूँ, आपका स्मार्टनेस काम करता है. और पर्टिकुलरली अगर ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है तो आप ये मान के चलिए कि थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, स्लाइट लॉजिक लगा करके. मतलब ये क्वेश्चन वो होते हैं जो टाइम सेव करते हैं आपके एग्जाम्स में. कॉन्स्टेंट ड्राइविंग फोर्स, आप समझो फोर्स कांस्टेंट है. ये बहुत बड़ी हिंट है क्वेश्चन सॉल्व करने की, बहुत बड़ी हिंट है ये. नहीं, फोर्स कांस्टेंट है. देखिए इसमें मल्टी करेक्ट है, दो ग्राफ पावर के हैं और दो ग्राफ एनर्जी के हैं. मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है ये, मोर देन वन करेक्ट. ए और सी में पावर वर्सेस टाइम ग्राफ है और बी और डी में एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ है. तो एक बात बताओ, पावर निकालने के लिए तो आप फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे ना, एंड फोर्स कांस्टेंट है तो वेलोसिटी काइनेमेटिक से आ जाएगा, यू प्लस ए टी से. ऑब्वियसली कोई भी व्हीकल रेस्ट से ही स्टार्ट होता है. अब आप इसके इतनी हिंट दे रहा हूं मैं आपको, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? पावर इक्वल टू एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम. अब कौन सा ग्राफ होगा अपने आप देख लीजिए पावर के लिए. सर ए, सर ए वाला. और एनर्जी के लिए, एनर्जी निकालनी है तो हाफ एम वी स्क्वायर. पैराबोला बने, पैराबोला बने. तो बच्चा वैसे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ इतना टाइम लगना नहीं चाहिए. केवीपीवाई का बहुत जल्दी बच्चा, केवीपीवाई का 50% पेपर ऐसा होगा, मैं पहले बता दूं आपको. स्पीड मैटर करती है और क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होते उसमें, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आराम से किए जा सकते हैं क्वेश्चंस. तो अब आप इसमें डिसाइड कर लिया, ऑप्शंस ए आएगा और कौन सा बता रहे हैं आप? डी सर. डी सी आएगा. सी सी पावर का ग्राफ है भाई, सी पावर पॉजिटिव पैराबोला में दिखा. डी उल्टा लग क्या रहा, आंसर नहीं है वो. ओनली अब यहीं पर कुछ लोग क्या करेंगे, बी और डी में से डी को जबरदस्ती टिक कर देंगे, भाई पैराबोला बन रहा है. मतलब हमारे मन में ऐसे क्या है. हाँ बच्चे, सर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव यहाँ पे है. मतलब ये ऐसा वाला पैराबोला होता, अगर ये होता मान लो सर अपवर्ड पैराबोला होता. सॉरी हाँ, मतलब अगर ये ऐसा ग्राफ होता तो ये तो सही होता. मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, देखो कभी कभी मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस में भी सिंगल आंसर होते हैं. तो ये क्योंकि देखो एज ए स्टूडेंट हमारे माइंड में उस समय क्या आ रहा होता है ना, अगर चारों मान लो ऊपर लिखा है वन और मोर देन वन ऑप्शंस में भी करेक्ट, और अगर आप कर रहे हो और आपका सिर्फ एक आंसर सही आता है तो अपने ऊपर एक डाउट आने लगता है. मतलब एक डर सा आता है मन में कि यार मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में मेरा एक ही आंसर क्यों सही आ रहा है. तो यस सर, अभी सीपीटी हाँ, और वो जबरदस्ती आप क्या करते हो, उल्टा सीधा कोई ऑप्शन टिक कर दो. भाई जब ऊपर लिखा है कि वन और मोर देन वन ऑप्शंस में भी करेक्ट, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ एक सही हो. नेक्स्ट, अब ये मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन है पिछले के. तो मैं थोड़े से इसलिए इस तरीके से आज क्वेश्चंस लेकर के आया हूं कि एक कराऊंगा एक छोड़ दूंगा, तो ये आप अपने आप करेंगे. ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. बट नाउ यहां पर आइए, ये एक काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये रिपीट हो चुका है कई बार, और कुछ एग्जाम मेडिकल के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन न जाने हर तीसरे साल दूसरे साल आई जाता है. मतलब सेम पेपर में आप नीट का पेपर दो, हर दो साल बाद पेपर रिपीट हो जाते हैं. और क्लियर एविडेंस देख रहे हो, 100% स्कोर ला रहे लोग. यस सर, 720 आउट ऑफ 720 तो आएगा ही. रिपीटेड क्वेश्चन दोगे तो आएगा ही आएगा भाई, सारे क्वेश्चन याद हो गए हैं.
और क्वेश्चंस का लेवल देखना जरा पेपर में, ऐसा है मतलब देखते ही टिक कर दें। यस सर, वो कह रहे थे, वो जो आकाश वाले टीचर हैं वो कह रहे थे कि नीट का तो हमारा बहुत इजी होता है और जेई वालों का देखो हम लोग से कितना भयंकर आता है, और मार्क्स कंपैरिजन कर रहे थे, बोल रहे थे जब स्पीच दे रहे थे बच्चों। तो जेई डिफिकल्ट तो है ही, ऐसे दुनिया जानती है। चलिए बच्चा अब यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट को देखो। ऑटोमोबाइल ऑफ मास एम एक्सेलरेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट व्हाइल द इंजन सप्लाइज कांस्टेंट पावर पी। इस पे ध्यान देना, कांस्टेंट पावर, इंजन पावर दे रहा है, इसका मतलब इंजन एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, ओके, पावर पी से। और पावर का मतलब है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो कांस्टेंट पावर का मतलब, कांस्टेंट पावर का मतलब एक कांस्टेंट रेट पर एनर्जी दे रहे हो, मतलब हम यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं दैट पावर इज इक्वल टू डी बाई डी टी, इन जनरल फॉर्मूला पावर इक्वल टू डी बाई डी टी, एंड दैट मीन्स कि इसको मल्टीप्लाई करोगे डी को तो ये पी मल्टीप्लाइड बाई डी टी होगा, और इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। देखो यहाँ पर इस कांस्टेंट वर्ड का यूज़ है क्योंकि अगर पावर कांस्टेंट है तो आप इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर सकते हो, अगर ये वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल पावर होता तो हम इंटीग्रेशन के अंदर ही रखते इसको, और अब डी टी बचेगा सिर्फ, तो डी टी इंटीग्रेट हो जाएगा और वो पी इंटू टी, तो एनर्जी आ गई। और ऑटोमोबाइल में एनर्जी सिर्फ काइनेटिक फॉर्म में होगी, ये मान के हुए चल रहे हैं कि हॉरिजेंटल सर्फेस पर मोशन हो रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर पी इंटू टी, यहाँ से आप करोगे तो पहला रिजल्ट तो वेलोसिटी का आपका आ जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू टू टाइम्स पी इंटू टी डिवाइडेड बाय मास और उसका स्क्वायर रूट। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो जाएगा वेलोसिटी, और सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए देखो बस फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी आ चुकी है, सेकंड पार्ट के लिए काइनेमेटिक्स लगाना है आपको। तो पोजीशन फाइंड करने के लिए है ना, सेकंड वाला पार्ट बेसिक है, मैं बस हिंट कर दे रहा हूँ, जो वेलोसिटी होती है वो डी एस बाई डी टी होती है काइनेमेटिक्स में, तो आप इससे अपने आप कर लेना, छोड़ दे रहे इसको भी। बोलो चलिए नेक्स्ट आइए। ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको खुद करने हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे ही हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे ही हैं ये दोनों, इसमें भी सेम है, अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, अ पार्टिकल ऑफ मास इमेज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट पावर, तो दोनों का सेम क्वेश्चन है बट डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अच्छा, इससे मैं ये भी रियलाइज कराना चाह रहा था एक्चुअली कि जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाते हैं ना, ऑब्जेक्टिव उन्हीं के बेस पर बनते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से कुछ नहीं होता है कि आप उसकी थ्योरी अलग होती है या उसकी प्रैक्टिस अलग होती है, आप इलस्ट्रेशंस जो भी करोगे वो सब्जेक्टिव करोगे, जैसे ये क्वेश्चन सब्जेक्टिवली किया मैंने। अब इसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग मॉडिफाई करके और आपके सामने ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में लाए हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग के मन में ये भी आता है कि सर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे की जाती है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को प्रिपेयर कैसे करें, तो उसका ये कोई अप्रोच नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा करके ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए प्रैक्टिस आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही करने होंगे, ठीक है? सो ट्राई करना, यहीं से आपके अगले दो क्वेश्चन का आंसर है, नेक्स्ट टू का आंसर यहीं से मिलेगा। इस पे आइए ना, यहां पर देखो, अ कार ऑफ मास एम स्टार्ट्स विद एक्सेलरेशन ए, विद एक्सेलरेशन ए अलोंग द स्ट्रेट लेवल रोड अगेंस्ट द कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टेंस लग रही है यहाँ पर आर। वेन द वेलोसिटी ऑफ कार इज वी, वॉट इज द रेट एट विच इंजन ऑफ द कार विल बी डूइंग वर्क, यानी पूछना क्या चाह रहे हो, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देकर के पूछना क्या चाह रही है, वॉट इज द रेट एट विच द इंजन ऑफ कार विल बी डूइंग वर्क, मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं यहाँ से, पावर। अब देखो कैसे होगा, अब इस कार में फोर्सेस कौन कौन सी लग रही होंगी और क्या हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें जो कार की मोशन है मान लो फॉरवर्ड साइड पर है, इसमें समझ नहीं आ रहा कार का फ्रंट और बैक कौन सा है, बट फॉरवर्ड साइड पर कार का मोशन है मान लो, तो रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन के हिसाब से रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली मोशन के अपोजिट साइड पर ही लगेगा वो, और ये जो रेजिस्टेंस आर कह रहे ना, इसमें हर एक तरीके के रेजिस्टेंस हैं, मतलब कि एयर रेजिस्टेंस, ठीक है जी, रोड का रेजिस्टेंस, ऑल रेजिस्टेंसेस हैं, मतलब जितने भी टाइप के रेजिस्टेंसेस हैं उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है, ऑल रेजिस्टेंसेस को। और फिर कह रहे हैं कि इस कार की एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी वी है
और एक्सेलरेशन भी मेंशन किया गया है कि वो ए है। तो इसमें यार बच्चा ये बताओ, इंजन का जो वर्क है, इंजन अगर वर्क कर रहा मतलब इंजन एनर्जी दे रहा है, तो वो कहाँ पे जा रहा होगा? अगर मैं एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि एनर्जी गिवन बाय इंजन, तो वो कहाँ पर यूज हो रही होगी? बिकॉज एनर्जी का फेमस स्टेटमेंट, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती है, फॉर्म बदल सकते हो। तो इंजन से जो एनर्जी आई वो किन किन फॉर्म्स में जाएगी? ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार में, और किस में जाएगा? लॉस भी हो जाएगा रेजिस्टिव फोर्स के वजह से। राइट, तो इसका मतलब एनर्जी, थोड़ा सा हमको एनर्जी स्पेंड करना होगा अगेंस्ट रेजिस्टेंस। किसी भी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में आपको ताकत लगती है, आप थक जाते हो, तो एनर्जी स्पेंड अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ये बेसिकली इस तरीके से सोचा करो। तो कैपिटल ई मतलब लेफ्ट साइड को हम कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार आई कैन राइट हाफ एम ए वी स्क्वायर और प्लस एनर्जी स्पेंड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। तो वो कितना होगा? अगर ये कार मान लो कैपिटल एस डिस्प्लेसमेंट करती हो, तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जो इसको वर्क करना पड़ेगा वो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बताओ? ये बात समझ पा रहे हो? इक्वेशन समझ आ रही है? यस सर। देखो अगेंस्ट वर्ड मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा है। यस सर। मतलब ऐसे देखिए ना कि अगर ऐसे सोचो कि अगर इंजन ने, मैं न्यूमेरिकली समझाता हूँ कि मान लो 100 जूल ट्रांसफर किया और उसमें से दो पार्ट से डिवाइड हो गए, सपोज 70 जूल एज काइनेटिक चला गया और हमारा 30 जूल एक तरीके से लॉस हो गया ना, तो हम उस 30 के आगे माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम 30 के आगे माइनस लगा देंगे फिर तो 70 माइनस 30 तो 40 हो जाएगा। आप समझो, समझो ना, समझ कि 100 सप्लाई हुआ था उसमें से थोड़ी सी एनर्जी हमने काइनेटिक के फॉर्म में यूज कर ली और बाकी एनर्जी हमारी लॉस हो गई, बट उस लॉस का अमाउंट तो ऐड करोगे ना वे आप। yes, समझ आया कि नहीं? प्लस साइन कैसे लगा यहाँ पर? yes, अब हम पावर का कंसेप्ट लगा रहे हैं, पावर की डेफिनेशन, यानी पावर बराबर डीई बाई डीटी। तो जब आप डीई बाई डीटी करोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2v डीवी बाई डीटी इम्प्लिसिट फंक्शन के हिसाब से, और प्लस रेजिस्टेंस हमारा आर कॉन्स्टेंट है तो ds by dt। इसके हिसाब से पावर की वैल्यू मिल जाएगी हमको, ये 2 और 2 कैंसिल, और dv by dt को a से रिप्लेस कर सकते हो और ds by dt को वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हो। तो m v a प्लस r v, बेसिकली m a प्लस r और बाहर v आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ आई? यस। ठीक है जी, पावर इक्वल टू एम ए प्लस आर इंटू वी। बोलो बच्चे लोग, यहाँ पर एफ वाला कंसेप्ट नहीं लगा रहे हैं आप? सोचो, अच्छा पूछो, ऐसा क्यों मैंने एफ वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया? बता सकते हैं मैंने एफ वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया? सर फोर्स कांस्टेंट नहीं है। हाँ, नहीं नहीं बच्चा, ये वेरिएबल वो भी नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, नहीं सुनिए। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन का ना एक तरीका ये भी हो सकता था, लेकिन अब बताना वो सही तरीका है या फिर सिर्फ आंसर लाने का तरीका है। सर हो सकता है मल्टीपल फोर्सेस का वर्क इकट्ठा ले रहे हैं ना बच्चा, आप लोग फिर समझो। एक ड्राइविंग का मैंने कंसेप्ट बता रखा था कि कोई भी बॉडी जब ड्राइव होती है ना, कार वगैरह, तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आता है? ये मैंने कई बार आपसे कहा है कि कार या बाइसिकल या फिर जो भी व्हीकल्स हैं, वो व्हीकल्स फ्रिक्शंस की वजह से एक्सेलरेट होते हैं। तो अगर एम मास की कार में कोई एक्सेलरेशन ए है, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। ठीक, सिंपल से बात सोचो, और फोर्स का मतलब बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि कोई बॉडी उस कार को पुश कर रही हो या कोई चीज कार को पुल कर रही हो।
तो ऑब्वियसली कार के अंदर बैठ करके तो आप कार को पुश नहीं कर सकते ना, कि अंदर बैठ के कार को धक्का दे दे, तो कार को धक्का तो आप बाहर से ही दोगे, तो क्या कार के बाहर कुछ दो चार आदमी खड़े हैं जो धक्का दे रहे हैं उसको? नहीं। तो ये चीज हमेशा फ्रिक्शन से आती है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि इट इज फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास m, f इज फ्रिक्शन। ये एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर दिया था भाई आपको, कि जो फ्रिक्शन से इनको एक्सेलरेट करते हैं। इसका मतलब एक चीज ये भी कही जा सकती है कि इस कार के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लगेगा, आप ये कह सकते हो इन जनरल, अगर इसको पार्टिकल मानते हो तो। अगर इस कार को एक पार्टिकल के तरीके से कंसिडर किया जाए तो इसके ऊपर कहा जा सकता है कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा। और ये स्टेटमेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसको एज अ पार्टिकल ट्रीट करो, तो कार एज अ पार्टिकल मान करके ही फ्रिक्शन फॉरवर्ड दिखा सकते हो। अगर कार को मैं बॉडी मान के दिखाऊंगा तो फिर मुझे थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, अलग अलग टायर्स पे अलग, हाँ टॉर्क बढ़ता जाए, फिर मुझे फ्रंट व्हील पे अलग फ्रिक्शन देखना होगा, रियर व्हील पे अलग फ्रिक्शन देखना होगा, वो फिर पूरा मैकेनिज्म फिर जो आपने, हाँ इसीलिए इसको एज अ पार्टिकल मान के ही चलते हैं। अब इसको करने का एक तरीका और भी है, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है कि इस कार में रेजिस्टेंस आर पीछे की तरफ है, एयर का रेजिस्टेंस मान लीजिए, एरोडायनेमिक ड्रैग जिसको कहा जाता है, और तो अब आप न्यूटन लॉ लगा सकते हो, न्यूटन लॉ की इक्वेशन अल्टरनेटिवली दैट फ्रिक्शन माइनस एयर रेजिस्टेंस नेट फोर्स हो गया हमारा लेफ्ट साइड पर, और नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, तो एम इनटू ए, और यहां से हम फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू आर प्लस एम ए के बराबर हुई। अब अगर मैं पावर बाय फ्रिक्शन निकालूं तो पावर बाय द फ्रिक्शन फोर्स और एफ इंटू वी का फॉर्मूला लगाऊं तो मैं कहूंगा फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एंड फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी करूंगा तो आर प्लस एम ए मल्टीप्लाइड बाय वी, ये मेरा आंसर आ जाएगा, जो एग्जैक्टली वही आंसर है जो पीछे था, आर प्लस एम ए इंटू वी। आया कॉन्सेप्ट ये बात समझ में आपको? यस सर। ये क्वेश्चन थोड़ा हाइपोथेटिकल नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है बेटा, ये तो पूरी इंजीनियरिंग है। जैसे ए वेरिएबल दिया सर, ए वेरिएबल दिया सर, और ड्रैग फोर्स तो वेलोसिटी, कहां लिखा है ए, कहां लिखा है ए वेरिएबल है सर? वहां इनिशियल एक्सेलरेशन ए लिखा था, तो शायद इनिशियल भी लिखा है, एक्सेलरेशन ए लिखा है, स्टार्ट्स विद लिखा था ना, हमें लगा इनिशियल स्टार्ट्स विद एक्सेलरेशन ए, कहीं कांस्टेंट वेरिएबल नहीं लिखा है, तो हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं मानेंगे इसको। यहाँ पर कंसेप्चुअल पॉइंट है, सुनो बड़ा मजेदार पॉइंट है यहाँ पर। इसका मतलब क्या, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें देखो दो आंसर आप दो सेम आंसर दो तरीके से लाए, तो क्या ये स्टेटमेंट कहा जाए कि पावर जो इंजन की वजह से आएगा, पावर बाय द इंजन इज सेम एज द पावर बाय द फ्रिक्शन फोर्स? क्या ये स्टेटमेंट जनरलाइज स्टेटमेंट है और सही स्टेटमेंट है? देखो कि किसी भी व्हीकल में जो इंजन का पावर होता है, अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है वो, तो पावर बाय इंजन, और आप सबको पता है कि जो गाड़ियां बिकती हैं फोर व्हीलर्स स्पेशली, वो अपने पावर के दम पे ही बिकते हैं। क्या ये चीज कहना सही है कि पावर बाय इंजन इक्वल्स टू द पावर बाय फ्रिक्शन फोर्स? मेरा आंसर दोनों में एक ही आ रहा है। इसको समझने के लिए ना देखो एक कंसेप्ट दिखाते हैं आपको, एक डेटा है हमारे सामने, वो डेटा आप देखना एक बार। मैंने बहुत अच्छी गाड़ियों का जो पावर है वो कंपेयर किया गया, ये विजिबल है या इसको जूम करें थोड़ा सा, मतलब सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए। ओके जी, देखो तो इसमें ना जो पावर गाड़ियां हैं उनको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले वेरी एक्सपेंसिव व्हीकल्स में है, और मेरे से ज्यादा नाम आप लोग को पता होगा इसके बारे में, ऑटोमोबाइल, एवरेज एक्सेलरेशन दिए रखा है माइल्स पर आवर में, क्योंकि सब यूएस की गाड़ियां हैं ऑलमोस्ट, एंड हॉर्स पावर रेटिंग, और हॉर्स पावर टू द एक्सेलरेशन का रेशियो। तो फर्स्ट कार, कई आप में से कईयों की ड्रीम कार भी होगी ये, है कितने लोग की है ड्रीम कार फर्स्ट वाली, बुगाटी वेरॉन है किसी की भी? सर मेरी। हाँ देखो मैंने अभी ये सबकी ड्रीम कार इसमें आने वाली है, सबके सपने देखो। टेस्ला के सामने बुगाटी शिरोन है, सवेरोन नहीं है, पर हाँ ठीक है बुगाटी है, चलेगा बच्चा ये भी चलेगा। देखिए एवरेज एक्सेलरेशन कह रहे हैं 23.1 माइल्स पर आर, ये कंपनी का क्लेम है, और आप सबको पता है कि, और इसकी हॉर्स पावर रेटिंग 1200 है, 1200 हॉर्स पावर, इसको 746 से मल्टीप्लाई करो उतने वॉट। उसके बाद लैम्बोर्गिनी का है, फिर लेक्सस का है, फिर मर्सिडीज बेंज का है, और उसके बाद ये जो फाइव टॉप क्लास कार्स हैं उनका,
ठीक है, अब किसी की ब्रांडिंग नहीं हो रही है यहाँ पर, ये मैं समझना आप सिंपली कंपैरिजन है, ये नहीं कहा जा रहा है कि ये कारें बहुत अच्छी हैं, बट आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो इनकी एक कॉमन पैरामीटर देखना है तुमको, इनकी ये जो पावर रेटिंग्स होती हैं और इनकी जो एवरेज एक्सेलरेशन है, इनमें एक रिलेशन चल रहा है, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा है उसका एवरेज एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका मतलब उस गाड़ी का पिकअप उतना फास्ट है, सब देख रहे हो आप इसको, है ना। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि 8, और ये आप किसी भी कार में चेक कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, 836 हॉर्स पावर के आसपास की अगर कोई भी कार है तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन 19.1 माइल्स पर आवर्स है, मतलब यूएस के यूनिट्स में चल रहा है। जी सर, लास्ट वाला जो एग्जांपल है उसमें हॉर्स पावर रेटिंग तो 1287 है, ज्यादा है पहले वाले से, लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन कम है। हाँ हाँ, तो यही तो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आखिर क्या फैक्टर है ये, मतलब पावर का और माइलेज का और एक्सेलरेशन का क्या कुछ आपस में कनेक्शन है क्या इनका, मैं आपको ये समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ। बट ऑन एन एवरेज देखिए, ठीक है एक कार है, अब उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती है या कुछ और डिजाइनिंग का होगा, बट नीचे देखो परफॉर्मेंस व्हीकल्स पर आओ, परफॉर्मेंस व्हीकल पर जगवार को देख लो आप, 470, ये बहुत ओल्ड गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां हैं, अब आज की डेट में तो इनके मॉडल्स काफी अपग्रेड हो चुके हैं, मतलब ये आज से करीब 15 साल पहले के मॉडल्स हैं ये सारे, ठीक है, तो आज नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो 470 पर इतना, मतलब लगभग तो यही हो रहा है यार कि पावर ज्यादा होने पर एक्सेलरेशन ज्यादा हो रही है, एक आध केसेस को छोड़ दीजिए आप, ये 1287 वाले को छोड़ दो अगर आप, तो अदरवाइज तो ऐसा ही हो रहा है कि जिसकी पावर ज्यादा है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है, ऐसा ही लग रहा है आपको, एक आध एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, एंड इवन ट्रेडिशनल व्हीकल्स में भी देख लो आप, ये जो हमारे फोर्ड फिएस्टा है, चेवरलेट है, और ये जो हुंडई हुंडई की गाड़ियां हैं, तो इनमें भी देख लो आप, पहली बात तो पावर कितनी कम है इनकी, 220, 300, 120, एक्सेलरेशन कितना लो है, तो बेसिकली मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि पावर और एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? Yes, sir. सर इनमें से कोई इंडिया की गाड़ी नहीं है? इंडिया में कौन सी गाड़ी यार बताओ, नैनो जगुआर इंडियन हो गई, सर फरारी तक गई है, हां सर जगुआर इंडियन हो गई है, जगुआर तो इंडियन ही है बेटा, अब क्या करोगे इस तरह के, अब ये यूएस वाले हैं ना एक्चुअली, वो ज्यादा रिसर्च करते हैं इनके ऊपर बच्चे, हम लोग पैसे भी देखो इंडिया में अपनी कार कहां बनती है, सब बाहर से ही आती है। एनीवे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको कि ये एक्चुअली रियल डेटा है, एक्चुअल डेटा है, बट मैंने फिर बोला कि करीब 15 साल पुराना डेटा है, तो ये जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो ना यहाँ पर कि बेसिकली जो इंजन्स की पावर है और फ्रिक्शंस की पावर वो लगभग बराबर है, और पावर बाय इंजन कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, देखिए मास ऑफ कार के ऊपर, और सिर्फ कार का मास नहीं, उसके अंदर बैठा कौन है, मतलब एम का मतलब टोटल मास है, ये इसमें कार का भी मास है और उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स का मास है और जितना सामान आपने भरा है वो सबका मास है, प्लस कार को आप कितना एक्सेलरेट करते हो, प्लस ड्राइविंग कंडीशंस कैसी हैं उनके हिसाब से रेजिस्टेंस आएगा कि आप हवा ज़्यादा चल रही है या कम हवा चल रही है, और कार का बॉडी शेप भी डिसाइड होता है, कार की एरोडायनेमिक शेप है या फिर नॉर्मल शेप ऑफ द कार है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा कम होने लगते हैं, और यही तो पूरी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है भाई, और प्लस आप कार को कितनी वेलोसिटी पर ड्राइव कर रहे हो, तो कार की कुछ इकोनॉमिकल वेलोसिटीज होती हैं और कुछ वेलोसिटीज ऐसी होती हैं, मतलब नॉर्मल से अगर आप ज्यादा चलते हो करीब 150-160 किलोमीटर पर आर पे अगर गाड़ी को लेके जाओ तो माइलेज डिक्रीज हो जाता है उनका, ठीक है, रीजन उसका क्या है कि अगर आप जितनी ज्यादा वेलोसिटी पे जाओगे तो पावर बढ़ जाएगी, पावर बढ़ने का मतलब इंजन को उतनी जल्दी जल्दी एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, यानी उतना जल्दी जल्दी फ्यूल कंजम्पशन होता रहेगा, और फ्यूल कंजम्पशन अगर बहुत फास्ट रेट पे हो रहा है तो दैट मीन्स कि पर किलोमीटर फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा हमारा। अब रिलेट कर पा रहे हो सारी चीजों को इन इक्वेशन से या नहीं कर पा रहे हो? मतलब हमें इंजीनियरिंग नहीं करनी है बट एक बेसिक आइडिया तो लेना ही है ना कि जो पावर ऑफ इंजन है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब हमारी इक्वेशंस रियल लाइफ से कहीं ना कहीं मैच कर रही है, ठीक है जी बच्चा? यस सर। हाँ yes, और पावर की अगर आप एक बच्चा अगर आप चाहते हो इकोनॉमिकल पावर, मतलब पैसा भी देखना है आपको, है ना, तो उसके लिए आपको ना एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है, मतलब ना तो बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी पे चले आप और ना बहुत ही लो एक्सेलरेशन पे चलिए, एक ठीक ठाक जनरली 40 होती है।
वो अलग अलग कार का अपना अलग अलग कंसेप्ट है। नहीं जी यस जनरलाइज नहीं है, अभी हमने कहा मैं कोई इंजीनियरिंग नहीं की मैंने भी यहाँ पर, मैं तो सिर्फ एक आइडिया देना चाह रहा था कि पावर्स के कंसेप्ट को समझो आप, है ना, ये बेसिक्स आपका बना रहा हूँ मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि पावर किस तरीके से देखी जाती है इन क्वेश्चंस में। बट मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो पावर है, देखो पावर बाय इंजन न्यूमेरिकली उतना ही आ रहा है जो पावर बाय फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन टायर्स की कंडीशन पे डिपेंड करेगा और रोड की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब अगर टायर घिस जाते हैं, टायर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या रोड जो है वो स्लिपरी है या रफनेस ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि इंजन की जो पावर होगी वो कितना काम करेगी, यानी कि गाड़ी का माइलेज डिसाइड करते हैं ये सब। और ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज आप कार को पार्टिकल मान करके पढ़ रहे हो यार, इंजीनियरिंग में जाओगे तो कार को बॉडी मान के पढ़ोगे। सर जी सर शायद से लास्ट टाइम जो आपने पहले तरीका बताया पावर बाय इंजन का, तो उसमें हमने एसेट कुछ ऐसा लिया नहीं कि वो पार्टिकल या कुछ, तो वो मुझे ये जनरलाइज लग रहा है। तो ये जनरलाइज तो है ही है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने नेक्स्ट वाले में हमने पार्टिकल कंसीडर किया जबरदस्ती तब इक्वल आ गया। तो वो तो मैं सिर्फ आंसर लाने का तरीका बता रहा हूं कि लोग ऐसे भी आंसर लाते हैं, लेकिन ये चीज गलत है क्योंकि ये फ्रिक्शन की पावर है। नहीं और गलत नहीं है पूरी तरीके से, देखो इंजन का जो पावर होता है और फ्रिक्शन की पावर आपस में बराबर ही होती है। वो इसलिए होती है कि फ्रिक्शन टायर्स को मतलब कार को एक्सेलरेट करने का काम करता है और इंजन टायर्स को रोटेट करने का काम करता है। बट ये डिटेल पार्ट अभी नहीं डिस्कस कर पाएंगे हम, कंफ्यूज कर जाएंगे बहुत ज्यादा हम लोग। बट ये बात बिल्कुल सही है कि ये चीज ज्यादा समझ में आती है, मतलब फिजिक्स में अगर आपको चीजों को प्रॉपर समझना है तो एनर्जी एनालिसिस ज्यादा परफेक्ट एनालिसिस है न्यूटन लॉ से और काइनेमेटिक्स से, ये ज्यादा बेटर अप्रोच होती है क्वेश्चंस को करने की। और क्वेश्चन देखिए जरा एक मिनट, यही कार अब किसी हिल पे जा रही हो, अगर सेम कार अगर किसी मतलब वैकेशंस में आप हिल्स पर चल रहे हो, सेम प्रॉब्लम हो रही है, देखो अब क्या होगा, अब इसकी इंजन का पावर, इसमें भी रेजिस्टेंस लग रहा है, अब इसमें आप रेजिस्टेंस आर पीछे की तरफ दिखाओगे क्योंकि मोशन फॉरवर्ड है, तो इसमें और कौन कौन सी फोर्सेस होंगी, अगर वेलोसिटी यानी मोशन फॉरवर्ड साइड पर है ऊपर जा रहे हैं हम और नीचे की तरफ रेजिस्टेंस आर लग रहा हो, इसके अलावा हम सबको पता है कि इनक्लाइंड प्लेन्स पर नीचे की तरफ ग्रेविटी का भी कंपोनेंट होता है, लेकिन हम इसको फोर्स मेथड से नहीं करना चाह रहे, मैं इसको करना चाह रहा हूँ एनर्जी मेथड से। तो हम ये मान लेते हैं कि ये कार किसी टाइम एच हाइट ऊपर चली गई है ना, और कार का मास एम है, तो जो एनर्जी बाय इंजन है, इंजन से जो एनर्जी आई है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुई है, ऐसे सोचो आप, एनर्जी जो इंजन से आई उसका यूज हमने क्या क्या किया है। तो एक तो ये कार इनक्लाइंड प्लेन पर जा रही है, मतलब हाइट गेन कर रही है, अब कोई भी मास अगर हाइट गेन करेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी, यस सर, तो इसका मतलब हम एनर्जी बाय इंजन विल बी सम गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी। उसके अलावा कार के अंदर वेलोसिटी भी आ रही है, तो देयर मस्ट बी सम गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और हम रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जा रहे हैं, सो सम एनर्जी लॉस्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी, एक छोटा सा डाउट था कि सर पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की वजह से आती है, मतलब अर्थ की लगाता है तो सर, और हम ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कि अगर हम सिस्टम कंसीडर करते हैं कार प्लस अर्थ तो लेते हैं, तो सर यहाँ पे एनर्जी हम सिर्फ इंजन की ले रहे हैं तो उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी क्यों लेंगे? नहीं बच्चा, हम एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में हमारा सिस्टम जो है ना, अभी देखो गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी, आप प्रॉपर सही हो, ऑफ अर्थ एंड कार सिस्टम ही रहेगा, वो प्रॉपरली वही चीज लिखेंगे अर्थ एंड कार सिस्टम, तो जो एक बार बोला है वही चीज है। और एक्चुअल में तो अगर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी में भी आपको अर्थ की काइनेटिक एनर्जी भी लेनी पड़ेगी और कार की भी, लेकिन अर्थ के काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं न्यूमेरिकल्स में। आप किसी भी फॉर्म का एनर्जी ले लो, आप वो आएगा तो इंजन से ही ना, और कहीं से नहीं मिल सकता आपका एनर्जी, बिकॉज जब तक आपका, खुद सोचिए आप, जब तक इंजन ऑन नहीं करोगे ना तो ये कार चढ़ाई पे जाएगी, मतलब ये हाइट आप रेस कर रहे हो बिकॉज इंजन ऑन है, yes. तो इंजन की वजह से हाइट पे गए। अभी आप इंजन स्विच ऑफ कर दें तो क्या कुछ वेलोसिटी आएगी या फिर क्या कुछ हाइट पे जा पाओगे? नहीं, तो इसका मतलब ये सब कुछ बाय द इंजन हो रहा है।
अब हम इसका रेट फाइंड आउट करेंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, एम जी मल्टीप्लाइड बाय एच हाइट. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और एनर्जी लॉस्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस विल बी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब रेजिस्टेंस की बात आती है तो उसके अपोजिट वाला डिस्प्लेसमेंट देखते हो आप, रेजिस्टेंस के अपोजिट का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हमने इंक्लाइंड प्लेन पर किया होगा, ये डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम. जस्ट क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट चाहिए आपको, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे. अब डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो डी बाई डी टी क्या बनेगा, देखो डिफ्रेंशिएट करने पर डी बाई डी टी, तो गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड कार सिस्टम, यानी कि एम जी एच को डिफ्रेंशिएट करेंगे. और उसके पहले ना एच को आप रिप्लेस कर सकते हो, एक रिलेशन निकाल सकते हो. अगर ये थीटा एंगल का इंक्लाइंड हो तो साइन ऑफ थीटा को लिख सकते हैं हम लोग हाइट डिवाइडेड बाई द कैपिटल एस डिस्टेंस. तो एच को रिप्लेस करके हम कैपिटल एस मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा कर सकते हैं. तो जो पहला टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे एम जी एच का, उसके डिफरेंशिएशन में एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और कैपिटल एस डिफरेंशिएट करने के बाद डी एस बाई डी टी बन जाएगा. सेकेंड टर्म हाफ एम वी स्क्वायर है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर टू वी इंटू डी वी बाई डी टी बन जाएगा. और थर्ड टर्म आर इंटू एस है, उसमें एस को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एस बाई डी टी बन जाएगा. और जितने भी डी एस बाई डी टी हैं उनको आप वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हो. तो जितने डी एस बाई डी टी के फैक्टर्स हैं उनको वेलोसिटी से रिप्लेस कर दें अगर, मतलब ये पूरा डी एस बाई डी टी, ये डी एस बाई डी टी, इनको वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो, और डी वी बाई डी टी को रिप्लेस कर लो आप एक्सेलरेशन ए से, और इसके हिसाब से देख लो क्या आंसर बनेगा. हाँ जी, तो फाइनली पावर बाय द इंजन की जो वैल्यू बनेगी वो एम जी साइन थीटा प्लस एम ए और प्लस रेजिस्टेंस आर, दिस टोटल मल्टीप्लाइड बाय वी. ये इसका आंसर बनेगा पावर बाय द इंजन का, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए प्लस आर इंटू वी. मैं फिर कह रहा हूँ हम लोग चाहें तो फोर्स मेथड से कर सकते हैं इसको, बट मैं नहीं चाहता फोर्स मेथड इसलिए करना क्योंकि वो सही मेथड नहीं है. आई मीन वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है. बोलो ठीक है ये चीज. यस सर. आप गेस कर सकते हो अगर यही कार डाउन द हिल आए तो, अगर यही कार डाउन द हिल आ रही हो क्या रिजल्ट बनना चाहिए. अगर कोई कार मान लो अप द हिल की जगह डाउन द हिल चल रही हो, तो बोलो पोटेंशियल में लॉस आता. हाँ तो इक्वेशंस मतलब बना लेंगे. अगर हम यही कार यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाएं आपको और ये मान ले कि भी कार नीचे आ रही हो, है ना, मतलब नीचे की तरफ एम मास की कार है, वो नीचे की तरफ वी वेलोसिटी से चल रही है, ए एक्सेलरेशन से चल रही है, रेजिस्टेंस आर ऊपर की तरफ है बट मोशन डाउनवर्ड है, तो आपका पिछले आंसर में ना ये अपने आप कर लीजिएगा. पिछले आंसर में सिर्फ एक काम करना होगा आपको, माइनस एम जी साइन थीटा. हाँ, जो एम जी साइन थीटा है उसके आगे एक माइनस का साइन आएगा. और क्यों आएगा ये थोड़ा सा मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ क्यों हो गया, बट अगर बाकी लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा है तो यहाँ माइनस लगेगा. ठीक है, माइनस साइन. और उसका रीजन समझ में आ रहा है, यहाँ पर मैंने गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, देखिए दूसरे केस में लॉस हो रहा है, लॉस हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा. अब देखो इसको एनालाइज करना है क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत सारे हैं. मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए किसी कार का, किसी भी कार कंपनी के लिए इनमें से क्या चीज है जो प्री डिफाइंड है, आप बताओ. पावर, मास, एक्सेलरेशन, रेजिस्टेंस और वेलोसिटी, क्या चीज ऐसी है जो प्री डिफाइंड है. सर मास. 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 भैया आप कार खरीदने जाते हो तो कार वाला आपको मास बोल के बेचता है कि पावर बोल के बेचता है, आप मुझे बताओ. आप इंजन की पावर से स्कूटी और बाइक खरीदते हो तो आप क्या बोलते हो कि 100 सीसी की है कि 125 सीसी, क्या 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 स्पेसिफिकेशन सेल्स पर्सन. 125 मास कैसे पहले से डिफाइन कर सकते हो. उस कार में 10 लोग बैठेंगे कि एक आदमी बैठेगा, मास कैसे डिफाइन कर सकते हो. सर आपने कंपनी के लिए पूछा ना. नहीं नहीं, कंपनी का मतलब हमने कहा कि जो सेल्स होती हैं, जो बेचे जाते हैं कार. हाँ सर, वो उसके लिए तो पावर है. आपने कंपनी के लिए पूछा तो हम लोग को लगा वो. नहीं अच्छा सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम. नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब इसलिए पावर प्री डिफाइंड है. अब मास ऑफ कार डिपेंड करता है कि कितने लोग बैठे हैं उसके ऊपर,
वेलोसिटी आपकी ड्राइवर पे डिपेंड करता है, उसको चलाना आता है नहीं आता है, प्लस हवा चल रही है, आंधी तूफान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कहने का मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसे में अगर कोई पूछे कि बताओ किसी कार की टॉप स्पीड क्या हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार क्या हो सकती है फॉर ए गिवन पावर, फॉर ए गिवन पावर व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टॉप स्पीड ऑफ कार ऑन द फ्लैट सर्फेस, ऑन द हॉरिजेंटल सर्फेस। आंसर यही लिखा हुआ है, मैं बोल पूछ रहा हूं आपसे कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वी फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ पावर। बच्चा ध्यान से सुनो, मेरे क्वेश्चन में ही आंसर है यार, पावर यू बार बार बोलो, हिंट कैलकुलस का यूज कर रहा हूँ, मैक्सिमम वी की बात कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ अभी। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ वी मैक्सिमम क्या होगा आपको, हाँ अगर वी मैक्सिमम है तो ए कितना हुआ फिर, जीरो मैक्सिमम मिनिमम लगाइए, ए जीरो होने का मतलब वी मैक्सिमम की वैल्यू पी डिवाइडेड बाय आर है, पी बाय आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ कार, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ कार। ये बड़े खतरनाक फिजिक्स है भाई, यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, इसी जितनी डेप्थ में घुसोगे ना अच्छा भी लगता है और बट दिमाग भी खराब होता है फिर। अब लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है सर सीवी में, स्कूटर का है, मतलब आएगा स्कूटर कार कहीं भी, देखो फिजिक्स है ना, तो ये कहीं भी लगा लो, ट्रक में लगाओ चाहे कार में लगाओ चाहे बाइक में लगाओ चाहे पर्सन के लिए भी लगा सकते हो आप। एक एक पर्सन के भी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है क्योंकि पर्सन की भी एक पावर होती है, हमारी भी तो अपनी एक पावर है बॉडी की। एनीवे अब मैं इसलिए इसको इतना डेप्थ में डिस्कस करना चाह रहा था कि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यार, आई मीन और इन फ्यूचर भी बनने के चांसेस हैं इनके ऊपर, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं। बट आप एनर्जी का एनालिसिस करो, कंफ्यूजन में नहीं जाओगे, आगे कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि किसी एडवर्टाइजमेंट में क्लेम्स दैट अ सर्टेन 1200 किलोग्राम कार कैन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड्स। अब कोई एडवर्टाइजमेंट किसी कार कंपनी का आया है और उस एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा हुआ है कि 1200 किलोग्राम की कार रेस्ट से 25 मीटर पर सेकंड तक 8 सेकंड्स में जा सकती है, तो व्हाट एवरेज पावर मस्ट द मोटर प्रोड्यूस्ड टू कॉज दिस एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन हटा दीजिए इसमें से, तो छोड़ दे इस क्वेश्चन को बिकॉज हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब इसके बाद आप प्रैक्टिस करो इसके बारे में लेकर के। और ऐसे एक और क्वेश्चन है लेकिन अभी ये थोड़ा डिफरेंट है, हाँ जी आस्था बात तो सही है, एडवर्टाइजमेंट जो है कार कंपनीज का वो सिर्फ क्लेम है। एनीवे इस क्वेश्चन को भी मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये थीटा है, ये भी आपको अपने आप करना है। बेसिकली ये एक्चुअली गलती से यहाँ पर आया है, ये क्वेश्चन उसका पार्ट है, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो क्वेश्चन था मैंने किया था एक यहाँ पर ये वाला जिसमें हम एक मास को ड्रैग कर रहे थे ना एफ फोर्स लगा करके, तो इसी का एक पार्ट था, इसमें हॉरिजेंटल फोर्स लगा रहे थे, वहां पर जो क्वेश्चन है उसमें यही वाला फोर्स किसी एंगल पर लगाया गया है, तो ये सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर है, तो इसको खुद भी करना है, वो बाय मिस्टेक उधर चला गया, ठीक है तो अपने आप कर लीजिएगा इसको। नाउ नेक्स्ट, ये भी अपने आप करना है, ये भी पुलिंग ऑफ अ ब्लॉक ऑन द रफ सर्फेस के ऊपर है, पिछला क्वेश्चन हॉरिजेंटल सर्फेस पर था, ये क्वेश्चन इंक्लाइंड सर्फेस पर है, बट ये सबका फंडामेंटल एक ही है कि आप रफ सरफेस पर किसी बॉडी को खींच रहे हो तो क्या ताकत लग रही होगी इसमें। हाँ ये एक क्वेश्चन है जो जेई का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अलोंग द सर्किल ऑफ रेडियस आर विथ नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल मतलब होता है बेसिकली नॉर्मल एक्सेलरेशन इज अनदर वर्ड फॉर द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपेटल का ही एक दूसरा नाम कह सकते हैं, तो वो दे रखा आपको a into t square, find the time dependence of the power developed by all forces, power developed by all forces acting on the particle and the mean value मतलब average value of this power over the first t seconds after the beginning of motion।
कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बट आसान क्वेश्चन भी है. देखो सो जिस बच्चे ने सही से लैंग्वेज पढ़ लिया क्वेश्चन का उसका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज लोग फॉर्मूले में उलझ जाएंगे. और आपने कभी नोटिस किया हो तो हम क्लास में क्वेश्चन के रीडिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मतलब कहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा जा रहा है, क्योंकि सारा मतलब यहीं से निकलता है. हम लोग की एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम लोग क्वेश्चन को बहुत फास्ट रीड करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स वहां से मिस कर जाते हो आप, तो क्वेश्चन में स्टक कर गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है मेरे को. इस क्वेश्चन का की पॉइंट यहाँ पर है, पावर डेवलप्ड बाय ऑल द फोर्सेस. किसी एक फोर्स की पावर नहीं निकालनी है, आपको सारी फोर्सेस की पावर निकालनी है. देखो क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, बता रहा हूं, अगर मैं आप उल्टा सीधा पढ़ के भी क्वेश्चन ले आओगे. सो देखिए, व्हेन वी हैव टू फाइंड द पावर बाय ऑल फोर्सेस, व्हेन यू हैव टू फाइंड पावर बाय द ऑल फोर्सेस, सो इट शुड बी वर्क बाय ऑल फोर्सेस एंड डी डब्ल्यू बाई डी टी, बिकॉज हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है. फर्स्ट पार्ट में पावर डेवलप्ड, पहले वाले पार्ट में तो टाइम डिपेंडेंस का मतलब होता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम पर क्या आंसर आएगा. टाइम डिपेंडेंस का मतलब फंक्शन ऑफ टाइम एट द पर्टिकुलर टाइम कितना आंसर आएगा. और यहाँ पर हमारा एक थ्योरम था, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसने ये कहा था कि वर्क बाय ऑल फोर्सेस को आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज काइनेटिक एनर्जी. देखो चैप्टर के थ्योरी किस तरीके से काम आती है जेई के पेपर्स में, तो डी बाई डी टी ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ मोशन, तो बिगिनिंग ऑफ मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो जीरो होगी, तो इसका मतलब बाद वाली एनर्जी ही चेंज कहलाएगी, यानी हाफ एम ए वी स्क्वायर होगा यहाँ पर. सो अल्टीमेटली मेरे को इसका आंसर मिल गया, दैट पावर बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू, डिफरेंशिएट करना है वहां पर, तो हाफ एम और वी स्क्वायर डिफरेंशिएट होकर के टू वी इंटू डी वी बाय डी टी. अब मेरा आंसर कहाँ से आएगा, देखो हमें ना ये नॉर्मल एक्सेलरेशन भी दे रखा है यहाँ पर, हमें इस क्वेश्चन में ये नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन ए इंटू टी स्क्वायर है. अब आपको देखो आपका काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट कैसे यूज कर रहे हैं वो, कि नॉर्मल मतलब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मतलब वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. सो वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू आपको ए इंटू टी स्क्वायर दे रखी है, दैट मीन्स कि v की वैल्यू रूट ऑफ ए इंटू आर एंड मल्टीप्लाइड बाय टी. तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कर ले जाओ, बिकॉज v जब आ गया है तो यहां से डी वी बाई डी टी निकाला जा सकता है, और इस v को यहां पर रिप्लेस कर सकते हो, कर सकते हैं इसके आगे कि नहीं. Yes, yes, भाई डी भाई v और t का रिलेशन आ गया, तो डी वी बाई डी टी भी आ जाएगा, और v की ये वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करके पावर फाइनली निकाल सकते हो क्या आंसर आएगा. सर वहां पे dv बाई dt को डायरेक्टली एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे क्या? बट वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, यही गलती होती है. dv बाई dt सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नहीं है वो. यही क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट चाहिए. ये मिस्टेक हुई है, कई लोगों से हुई है, कि dv बाई dt को उठा करके उन लोगों ने a इंटू टी स्क्वायर कर दिया, लेकिन उन्होंने ये इसके आगे पढ़ने की जहमत नहीं की कि इस टाइम के आगे यहाँ पर नॉर्मल एक्सेलरेशन का नाम लिखा हुआ है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की बात की इन्होंने. एंड dv बाई dt याद करिए क्या काइनेमेटिक्स का चैप्टर, काइनेमेटिक्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं. यस सर, वहां पर आपने कहा जी, तो वहीं पर ये बताया गया है कि dv बाई dt जब आप लिखते हो तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है, ना कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को. तो ये एक कॉमन चांसेस है मिस्टेक होने के इस वजह से. सर नॉर्मल को कई बार रेडियल भी लिख देते हैं. नॉर्मल, रेडियल, सेंट्रिपिटल एक ही नाम है, सब सिनोनिम्स हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं. रेडियल बिकॉज रेडियस के लॉन्ग है, नॉर्मल बिकॉज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और सेंट्रिपिटल क्योंकि सेंटर की तरफ है. So, आगे प्रोसीड कर लेंगे, इसको स्किप करें, आगे बताओ. यस सर, यस सर, कर लेंगे. नेक्स्ट पे आते हैं.
ना ये पंप्स की बात कर रहे हैं, मोटर पंप वगैरह जो घर में लगाते हैं ना, मोटर पंप, इनकी इनकी पावर, फिर लिफ्ट की पावर। तो आप देखोगे पावर का न्यूमेरिकल कितनी जगह पर आ रहा है, मतलब बुक्स में एफ इंटू वी दे करके आगे बढ़ गए, या फिर पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम करके आगे बढ़ जाते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। और मेरा ये पर्पज था कि तुमको हर तरीके के एग्जाम्पल आपको दिखाऊं कि भाई पावर इन जनरल कैसे निकाली जाती है किसी भी सिस्टम की। अब इस पंप की पावर कैसे निकालेंगे देखो, तो आप खुद देखो कि इस पहली बात वर्किंग ऑफ पंप में क्या होता है, अब आप मुझे बताओ, मतलब घर में मोटर पंप कहाँ को लगाते हो भाई, उसका काम क्या है? तो वर्किंग ऑफ पंप आप समझो, वो दो काम करता है, लिफ्ट करता है वाटर को एंड देन उस वाटर को डिस्चार्ज करता है किसके अंदर, और जो भी आपका वहां पर ऊपर एक स्टोरेज टैंक लगाओगे आप, यही तो इसका बेसिक फंक्शन है पानी का। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? यस सर, इस क्वेश्चन में कौन सा काम कर रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ लो आप। पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब है यहाँ पर, एक्चुअली M3 का मतलब मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब का टैंक है, 15 मिनट में उसको भरना है, टैंक 40 मीटर ऊपर है और पंप की एफिशिएंसी 30% की ही है सिर्फ, घटिया पंप है, चाइनीज पंप मान लो, 30% एफिशिएंट है ओनली। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप? तो आप ये बताएं, एनर्जी एनर्जी बाय पंप कहां पर गई भाई, एनर्जी बाय पंप यूटिलाइज कहां पर हो रही है? लिफ्टिंग ऑफ वाटर। तो क्या पूरी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, क्या पूरा यूज हो रहा है? नो सर, 30% यानी 0.3 ऑफ एनर्जी ऑफ द पंप विल बी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स ऑल। आपको ये सोचना पड़ेगा कि पंप ने जो काम किया उससे एनर्जी कहाँ पर आई। कभी भी पावर निकालना हो ना तो ये सोचा करो कि एनर्जी कहाँ आई है। तो पानी को आप 40 मीटर के हाइट पर लेके जा रहे हो तो एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में आ रही है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे MgH करके। तो 0.3 इंटू DE बाई DT, जिसको कि हम उस बाद में भी पावर कह देंगे, एनर्जी ऑफ पंप, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एम जी। इसमें वेरिएबल्स क्या हैं इसका ध्यान रखना, एक बार बता दें आपको, इसमें जी वेरिएबल नहीं है, एच वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हाइट फिक्स्ड है, 40 मीटर की हाइट पे ही आपको जाना है और यहाँ पर डिफरेंशिएट एम होगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि एम अ वेरिएबल क्वान्टिटी है, एक्चुअली डी एम बाई डी टी का मतलब हुआ, एक्चुअल में डी एम बाई डी टी जब आ जाए तो आप ये मत समझना कि मास वेरिएबल है, इसका मतलब होता है कितना मास पर सेकेंड आप ट्रांसफर कर रहे हो, मास पर सेकेंड जो कि हम ट्रांसपोर्ट करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। तो कितना मास एक सेकेंड में लेके जा रहे होंगे यार, है ना, GH इनटू DM बाय DT करें तो कितना मास पर सेकेंड। अब उसके लिए ना आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, यूनिटरी मेथड, हाँ, उसके लिए ये दे रखी है 30 मीटर क्यूब का टैंक है और 15 मिनट में उसको भरना था, तो दैट इज 0.3। अब DE बाय DT को हम पावर ऑफ पंप कर देंगे, पावर ऑफ पंप GH, और DM बाय DT को हम लिख सकते हैं D अपॉन DT, और मास को आप लिख सकते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, V इंटू रो, रो फॉर द डेंसिटी लगा रहे हैं यार, रो वाटर की डेंसिटी है। Yes, sir. ये दिया हुआ नहीं है क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट सबको याद हो जाता है 1000 kg पर मीटर क्यूब का। तो इसमें से फर्दर आप रो कॉन्स्टेंट ले लोगे बिकॉज डेंसिटी तो बदलेगा नहीं, तो अल्टीमेटली DV बाई DT हो गया, यानी कितना वॉल्यूम एक सेकंड में जा रहा है, वॉल्यूम पर सेकंड। अब ये इसका आंसर लिखा हुआ है यार आपको, 30 मीटर क्यूब 15 मिनट में है, तो अब आप निकाल सकते हो कि DV बाई DT कितना होगा यहाँ पर, 30 मीटर क्यूब और डिवाइड कर दो टाइम से, 15 मिनट है वो, तो 15 × 60। आगे कैलकुलेशन है, अब इसको स्किप कर रहे हैं सर। सर एक चीज ये पूछनी थी सर, जो वाटर डिस्चार्ज होगा टैंक में वो भी तो किसी फोर्स से डिस्चार्ज होता होगा? फोर्स से नहीं, वेलोसिटी से होता है, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है, तो हम लोग इसको मतलब इस सेकंड टर्म को इग्नोर कर रहे हैं हम, जबकि एक्चुअली अगर हाइट तक ले जाने की बात नहीं होती और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे,
तो तब हम काइनेटिक ले लेते हैं। नहीं इसमें भी लेना चाहिए था बट एक्चुअली इन्होंने कंसीडर नहीं किया तो इसलिए हमने कुछ कहा नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है वो, ऐसा नहीं है, देखिए आगे किसी क्वेश्चन में होगा 100% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90% ऑपरेट्स अ क्रेन। अब ध्यान देना डबल सिस्टम चल रहा है, मोटर से क्रेन को ऑपरेट कर रहे हैं और क्रेन से किसी और चीज को ऑपरेट कर रहे हैं। क्रेन से आप एक मास को लिफ्ट कर रहे हो 500 किलोग्राम के, विद व्हाट कांस्टेंट स्पीड डज द क्रेन लिफ्ट अ 500 किलोग्राम वेट इफ द पावर सप्लाई टू द मोटर इज 5 किलोवाट। छोड़ दे रहा हूं आपके लिए, ये आराम से करना, हो जाएगा। चेन बन रही है इसमें, मोटर से क्रेन को एनर्जी मिलेगी, क्रेन से मास को एनर्जी मिलेगी, ठीक है जी। Yes, ट्राई करना बच्चा, होगा, मजा आएगा इसमें, ऐसी बात नहीं है। इसका बताओ, टर्बाइन्स की पावर, विंडमिल की पावर, ये सब कुछ टर्बाइन्स विंडमिल। तो वाटर इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 100 किलोग्राम पर सेकेंड ऑन द ब्लेड्स ऑफ अ टर्बाइन फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर, फाइंड द पावर डिलीवर्ड। हो जाएगा आसान से, क्वेश्चन कर सकते हो तो। यही वाला लगाना है फॉर्मूला, ये वाला रो जी एच डी वी बाई डी टी, तो ऑलरेडी मास दे रखा है, या फिर ये जी एच इंटू डी एम बाई डी टी, जी एच इंटू डी एम बाई डी टी। मैं इसीलिए मतलब सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए इनको छोड़ देता रहूं, क्योंकि आप इसी फॉर्मूले का यूज करना है यहाँ पर। ये इसमें रेज कर रहे हैं, उसमें फॉल कर रहे हैं, सेम चीज है। इसमें उठाना है पानी को, उसमें पानी को गिराना है, तो जी एच डी एम बाई डी टी यहां भी लगेगा। और ये इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ अ मॉडल ट्रेन एक्सेलरेट्स द ट्रेन फ्रॉम रेस्ट टू 0.620 मीटर पर सेकंड इन 21 मिलीसेकंड्स। ट्रेन का मास गिवन है, फाइंड द मिनिमम पावर डिलीवर्ड टू द ट्रेन बाय द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम द मेटल रेल्स ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन, एंड व्हाई इज इट मिनिमम पावर। Why is it minimum power? जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना इतने कर लो, मेरी गारंटी है बच्चा पावर सा। मैं ओपन चैलेंज कर सकता हूँ कि पावर में इसके बियॉन्ड तुम्हें कोई क्वेश्चन दे ही नहीं सकता। तो वो मिस प्रिंटिंग है ना, तो वो एमएस मिलीसेकंड है। नहीं नहीं मिस प्रिंटिंग नहीं, मिलीसेकंड्स ही है। अच्छा ओके, अच्छा वेलोसिटी नहीं देख रहे, 0.6 मीटर पर सेकंड, कितनी कम वेलोसिटी, तो इतने ही कम टाइम में आएगी ना। इलेक्ट्रिकल मोटर लगी है भाई, इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो, बुलेट ट्रेन टाइप की। और कार का मास देखो 875 ग्राम है खाली, मतलब बच्चों वाली कार है, मॉडल है उसका, मॉडल एक्चुअल कार नहीं, एक्चुअल मोटर नहीं है। तो मैं इसमें आपको हिंट कर रहा हूं, आप ये रिजल्ट पर ध्यान देना, बट मिनिमम के लिए क्या करना होगा सोचो। मैंने यहां मैक्सिमम की बात की थी, आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना है, ये वाला कार वाला, पावर इक्वल्स टू एम ए प्लस आर इंटू वी। इसमें पावर इंजन से आती है क्योंकि ये मोटर कार है, तो मोटर से इंजन आएगी, फॉर्मूला यही रहेगा, पावर इक्वल्स टू एम ए प्लस आर इंटू वी, यही रिजल्ट लगाना है आपको। लेकिन ये इलेक्ट्रिक कार है तो मोटर नहीं है इसके अंदर कोई, पावर इलेक्ट्रिसिटी से आएगी। तो वो एक जनरलाइज्ड रिजल्ट था ना, वो पावर वाला एम ए प्लस आर इंटू वी वाला। हाँ बच्चा, अब आपको मिनिमम पावर की कंडीशंस पे दिमाग लगाना कि कैसे आएगा मिनिमम पावर। ये इलेक्ट्रिक कार का केस है और मेटल रेल्स पर चल रहे हो आप, रोड पे नहीं चल रहे हो, और इसीलिए पूछा व्हाई इज इट मिनिमम पावर, मतलब पहली बार आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो बताएं, और मिनिमम पावर वो बताइएगा। ट्राई करना है आपको, ये एलिवेटर का देख लो, एक लिफ्ट के अंदर पावर कैसे निकालते हैं। मेटल रेल्स पे तो सर रेजिस्टिव फोर्स काफी कम है, इसीलिए मिनिमम पावर है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही है, यही ऑलमोस्ट कंसेप्ट है कि रेजिस्टेंस को आप लेस कर सकते हो, बिकॉज जितना कम रेजिस्टेंस उतनी कम पावर। तो इसमें क्या होना चाहिए, देखो भाई, अब ये लिफ्ट, लिफ्ट के ऊपर मोटर्स होती हैं, ये केबल्स होते हैं लिफ्ट के, तो लिफ्ट को ऊपर एक्सेलरेट करना है। अब एलिवेटर का मास गिवन है 1600 किलोग्राम, और उसमें 200 किलोग्राम के पर्सन से, दो ही लोग हैं फिर भी 200 किलोग्राम, हद है यार। चलो
a constant friction force of 400 Newton retards the motion. How much power must a motor deliver to lift the elevator car and the passengers at the constant speed of 3 meter per second? और B part में इसमें acceleration करना है. तो मैं generalized formula discuss करूँगा कि इसके अंदर velocity v है और इसके अंदर acceleration a है. आप A और B part अपने आप करेंगे. मैं general discussion करने जा रहा हूँ. Answer तुम अपने आप लाओगे A और B का, अपने आप करिएगा इसको, self करें. तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि जो एनर्जी हमको आएगी कैपिटल ई एनर्जी फ्रॉम द मोटर, उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं हम देख लेते हैं. तो एनर्जी फ्रॉम द मोटर विल बी यूटिलाइज्ड इन, लिफ्ट ऊपर जा रही है सो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. अब ऑब्वियसली ये इसमें अर्थ भी सिस्टम का पार्ट रहेगा, प्लस गेन इन द काइनेटिक एनर्जी, सेम क्वेश्चन है, और रेजिस्टेंस है तो लॉस अगेंस्ट रेजिस्टेंस. इसके आगे आप प्रोसीड कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को, कार वाले एग्जांपल के सिमिलर रही है? यस यस, कार वाले एग्जांपल के सिमिलर है बिल्कुल ये, बट इसमें एक हाइट का फैक्टर अलग से आ रहा है. मतलब एक एमजी एच मान लेंगे या एस मान लो या जो भी आप इसकी हाइट मानते हो, एमजी एच या जो भी, तो वो लेना है प्लस हाफ टोटल मास होगा यहाँ पर दोनों को मिला करके, लिफ्ट और उसके अंदर जो दो लोग हैं उनको मिला करके, और रेजिस्टेंस के अंदर लॉस होगा रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय, अगर ये एच हाइट जाएगा तो वर्क डन वाले फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करके पावर आ जाएगी मोटर की. अब एक से डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा मैं, डी एच बाई डी टी जो आएगा उसको वेलोसिटी कर दे रहे हैं. यहाँ पर वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से एक टू आएगा और टू और टू टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एम टोटल इंटू वी इंटू ए आ जाएगा और प्लस आर और डी एच बाई डी टी की जगह पर फिर से वी. तो अब आपके ए और बी पार्ट अपने आप कर लेना, एक क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं है और एक में है. सर सर एलिवेटर है नॉर्मल तो फ्रिक्शन नहीं, एलिवेटर्स में भी होता है. एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पर फ्रिक्शन आता है. देखिए ये जो मोटर्स होती है ना यहाँ पर पुली का सिस्टम होता है, एक्चुअली एक पुली होती है, तो ये जो केबल्स होती हैं ये पुली के ऊपर से क्रॉस करती हैं, तो पुली से फ्रिक्शन लगता है यहाँ पर. ओके सेम क्वेश्चन है, सेल्फ करना है आपको अपने आप. एलिवेटर के ऊपर अगला एग्जांपल है, एक उधर डिस्कस कर लिया है और इसको नेक्स्ट आप कैरी करोगे. ये क्वेश्चन देखो, अब ये वर्कर्स के ऊपर है, मतलब जो हमारे मूवर्स एंड पैकर्स आते हैं उनके ऊपर के सामान आपको शिफ्ट करते हैं. तो 3.5 किलो का किलो न्यूटन 3.5 किलो न्यूटन पियानो इज लिफ्टेड बाय 3 वर्कर्स एट अ कांस्टेंट स्पीड टू एन अपार्टमेंट 25 मीटर अबव द स्ट्रीट यूजिंग अ पुली सिस्टम फैस्टन टू द रूफ ऑफ द बिल्डिंग पुली के थ्रू. Each worker is able to, ये n गलत आ गया है, able to deliver 165 watt of power and the pulley system is 75% efficient. Find the time required to lift the piano from the street to the apartment. अब आप real life से connect नहीं कर पा रहे हो भाई, जो बड़ी बड़ी high rise buildings हैं उसमें सब 50वें floor पे सामान कैसे जाएगा भाई, stairs से तो जाएगा नहीं 50वें फ्लोर पे. जन तो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर बताएं, आपको कुछ आइडिया लग रहा है इसमें क्या हो रहा है? देखिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक बिल्डिंग है मान लो, ठीक है ना, और सपोज दैट ये उस बिल्डिंग का कौन सा फ्लोर है, मतलब जो भी फ्लोर है कोई एक स्पेसिफिक मतलब रूम मान लेते हैं बिल्डिंग का, और ये 25 मीटर की हाइट पर है h. अब यहाँ से आपको एक लगेज वहाँ पहुँचाना है, यहाँ पर एक m मास का लगेज है वो पहुँचाना है. तो इन्होंने क्या किया, इनका कहना है कि रूम से एक पुली अटैच कर दी गई और उस पुली से एक स्ट्रिंग बांध करके मास लगा दिया गया और पुली को दूसरे साइड पर 3 लोग खींच रहे हैं इसको पकड़ करके, 3 वर्कर्स हैं और तीनों वर्कर्स उस पुली को पुल कर रहे हैं नीचे. तो जब ये खींचेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये मास लिफ्ट हो जाएगा यहाँ से और ये लिफ्ट करके उस रूम में पहुंच जाएगा.
सिचुएशन तो एनालाइज हो गई आपको नहीं अभी? यस सर। यस सर। तो बाकी डेटा, बाकी डेटा है उसका, मास गिवन है, 25 मीटर के हाइट पे जाना है, तीन लोग मिल करके खींच रहे हैं और एक एक आदमी की जो पावर है वो 165 वॉट की है हर पर्सन की, 165 वॉट, यानी कुल मिलाकर के तीन आदमी को हटा दो और एक आदमी लेके आओ जिसकी पावर 165 × 3। लेकिन पुली जो है वो 75% ही एफिशिएंट है, मतलब कि जो भी आप यहाँ से एनर्जी सप्लाई करोगे वो 25% लग रहा है उसको। तो वो 75% मास को लिफ्ट करने में जा रहा है। तो आपको बताना है कितना टाइम लगेगा ये मास, मतलब जो रूम के अंदर बैठे लोग हैं, जो लोग रूम के अंदर बैठे हैं उनको अपना पियानो कितनी देर में मिल जाएगा ताकि वो उसको बजाना स्टार्ट करे, कितना टाइम, कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा इनको? ठीक है, तो ये भी आपकी एक्सरसाइज में है। हाँ जी, तो उसके इसमें ये भी तो हो सकता है वर्कर्स ग्राउंड के बजाय वहाँ रूम पे और वहां से खींच रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा आपको, लेकिन वर्कर्स रूम पे नहीं जाते हैं, वो कर सकते हैं ऊपर से, दोनों से बात एक ही आएगी वैसे। नहीं मतलब सर एक बस ऐसे ही केस है। हाँ, वो हो सकता है, वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी भी, बट उस केस में पुली की जरूरत नहीं पड़ेगी ना फिर, या फिर मतलब हम दूसरा अरेंजमेंट लगाएं कोई, मतलब दूसरे टाइप की पुली लगा दें कि मतलब पुली ऐसे लगाए, मास यहाँ लगाए और फिर स्ट्रिंग का दूसरा एंड इधर हो और ये वर्कर्स क्लैंप टाइप की कोई पुली लगा, हाँ क्लैंप टाइप की लगा के और इन पर वर्कर्स को रूम में डाल दें और रूम के अंदर से खींचे ये, तो ये देख लीजिएगा। ये तो जनरल बात है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, ये हॉर्स पावर रेटिंग ऑफ फ्रिक्शंस का है। तो इसमें ये वही बात बताई गई है कि जो एनएलएम का चैप्टर था हमारा फ्रिक्शन एंड ड्राइविंग, वहाँ पर क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, और वो डिस्कशन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑटोमोबाइल्स की पावर और ये टेबल था जो, और इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर अपने आप करने के लिए ऑटोमोबाइल के ऊपर ही। ये भी ऑटोमोबाइल का क्वेश्चन करना है, काफी क्वेश्चंस आज के पेंडिंग हो गए आपके। ठीक है जी, बोलो सर। थैंक यू, आंसर भेज दीजिएगा, मतलब कि केवल आंसर भेज दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे। आंसर तो जैसे पिछले क्वेश्चन का भी मैंने भेजा था जो बाइंडिंग एनर्जी वाला था, क्वेश्चन ग्रुप में तो भेज ही देते हैं, इसको भी भेज देंगे लेकिन आज नहीं भेजेंगे, है ना? इसके आंसर एक दो दिन बाद भेज दीजिएगा, कल इवनिंग तक ही इसके आंसर्स मिल पाएंगे आपको। यस सर। ओके सर। यस सर, कल इवनिंग तक मिलेंगे और अगली क्लास में आपको वो भी समझाएंगे बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन, उसका एक लास्ट पार्ट जो है बचा हुआ है। ओके ना, बट ये क्वेश्चन कर लेना यार अपना, देखो अच्छा काफी बढ़िया टॉपिक है पावर का, अगर आप अच्छे से करो तो फॉर्मूला और अंडरस्टैंडिंग दोनों ही आपको समझ में आएगी। एक तो फॉर्मूले से क्वेश्चंस करने होते हैं, तो बिगिनिंग के क्वेश्चन आपने देखे कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तो वहां तक तो आसान लगता था, मतलब शुरुआत जब होती है तो पहले के दो चार एग्जाम्पल हमेशा आसान लगते हैं कि यार तो ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे चैप्टर के डेप्थ में घुसते हो आप तो फिर यार ये होने लगता है कि नहीं भाई पावर भी जो है अपने आप में डिफिकल्ट टॉपिक लगने लगता है। बट हमने ऑलमोस्ट पावर पर बेस्ड जो कैटेगरीज ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, जितनी कैटेगरीज ऑफ न्यूमेरिकल मैकेनिक्स में बन सकती थी वो सारी कैटेगरीज तुम्हारे सामने डिस्कस कर दी हैं, ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर दिया है, सबका आइडिया दे दिया है। मतलब मैं अपनी तरफ से बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि अब आपका जेई या ओलंपियाड इसके बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप रिवाइज करो तो अच्छी बात है, ना रिवाइज करो तो अब क्या कर सकते हैं इसको। हाँ जी, वैसे आस्था आएगा, आज तक का सिलेबस पूरा आएगा, टेस्ट में आएगा। ओके सर। चलो जी रखो, फिर आप अगली क्लास स्टार्ट करेंगे एंड गुड नाइट, बाय बाय जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय भैया, गुड नाइट, शुभरात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि।